गाड़ी अगर नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, लेकिन जिस दिन अनाज नहीं होगा उस दिन मारे जाओगे। ये गाड़ी घोड़े सब भूल जाओगे आप। आपके गले में सोने की चैन जरूरी नहीं है, अनाज जरूरी है, फल और सब्जियां जरूरी है। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गन्ने के जूस के ठेले पर हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं, 10 रुपए की जगह 12 रुपए लगा दिए तो 2 रुपए के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतना शोर मचा देते हैं, जाने इसने कितने मांग लिए। उसकी मेहनत पर तो नजर डालिए साहब, 45 डिग्री तापमान में भी धूप में जलता है वो। उसके ठेले पर कोई एसी नहीं है जो पूरा दिन आराम से बैठा रहेगा। ऑटो वाले ने 10 रुपए की जगह 12 रुपए बोल दिए तो अरे भाई साहब 12 कैसे बोल दिए। अरे यार, जो ये छोटे छोटे गरीब आदमी होते हैं ना, हम उन्हीं पर गरजते और बरसते हैं। पर जहां आपको 90 डिग्री के कोण पर मोड़कर हाथ देकर पैसे निकाल लेते हैं वहां पर नहीं बोलेंगे। 2-4 रुपए किसी को देंगे तो आपको दुआएं देगा। कोई गाड़ी लेने जाती है तो वहां पर कभी बोला कि भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा ले रहे हो। सोने की ज्वेलरी लेने जाते हो तो वहां बोला कि भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा ले रहे हो। नहीं ना, आंखें बंद करके पैसे भर देते हो, क्योंकि हम दादागिरी गरीब आदमी पर चलाते हैं, ये शोरूम वाले सहन नहीं करते। जिंदगी की सबसे जरूरी चीज हमें सबसे सस्ती मिलती है, पता है क्यों? इन किसानों की बदौलत। अगर किसान को यूं ही मारा गया ना तो लिख कर दे सकता हूं एक दिन पूरी दुनिया मरेगी। मैं ये बात उन सब लोगों को बोल रहा हूं जो किसानों पर, गरीबों पर रोब दिखाते हैं, उन सबको बोल रहा हूं। किसानों को और गरीबों को इन्हें दबाओ मत, इनकी बदौलत ही हम चल रहे हैं। हम 2-2 रुपए में ना तो अमीर होंगे और ना ही गरीब, और उनका 2-2 रुपए करके परिवार पल जाएगा, ये सोच हमें बनानी है। अगर ये बातें आपको सही लगती हैं तो घुमा दो इस वीडियो को पूरे भारत में। पेज को फॉलो नहीं करोगे तो चलेगा, पर इस वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।